अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, CNN पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान रिज़वान रशीद। आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहां पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के जो उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, वो इनको जानते भी और मानते भी हैं। हमारे पाकिस्तान के फ़ख्र, पाकिस्तान के एक ऐसा सितारा जो मैं कहता हूँ कि एक पाकिस्तान का एक इमेज बना चुका है, जनाब वली शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे, फूलों की नुमाइश हमारा कराची फ्लावर फेस्टिवल काफ़ी दिन से यहाँ पर माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, आवाम का जमा गफीर इनके लिए तरसता है कि सेल्फीज इनके साथ लें, वीडियोस बनाए, इतना एंजॉय करते हैं इनका ये इवेंट। यकीन करें, मैं आपको इंसर्ट्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, बड़ा मज़ा आने वाला है। वली शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। फूलों की नुमाइश आगे 7-8 दिन रह गए, आवाम से क्या डिमांड करते हैं, क्या कहेंगे अपना ख्याल CNN के प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई आज मेरे ख्याल से ये 5वां दिन है इस शो का, और एक दिन के बाद मुझे जब बुलाया गया था तो मैं जब से आया हूँ आज 4था दिन है मुझे। भट्ट साहब की मोहब्बत, भट्ट साहब का प्यार, अल्लाह इन्हें खुश रखे, आज मैं खुद आया हूँ यहाँ अपनी मर्जी से, मुझे इतना मजा आ रहा है, झूठ नहीं कहूंगा, माशाल्लाह। ये है तो ये कामयाबी की निशानी है, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे और ये इसी तरह काम करते रहे। और अभी मुझे यहाँ आके पता लगा कि ये और भी बड़े काम करते हैं भाई, ये सिर्फ यही काम नहीं करते। अल्लाह के करम से अभी इन आपके 4 नंबर पे उरुस चल रहा है, तो भट्ट साहब ने यहाँ की जिम्मेदारी तो ली हुई है, मगर उरुस में भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। जो मुझे पता चला वहाँ जितना लंगर और जो कुछ हो रहा है सब अल्लाह पाक ने इनके हिस्से में डाला है, कि ये कर रहे हैं इनके हाथ से कर रहे हैं। अल्लाह पाक देता सबको है, मगर दिल बहुत कम लोगों को देता है, तो इस आदमी को साथ में दिल भी दिया तो अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा वली भाई, CNN पाकिस्तान के 3 साल मुकम्मल हो गए, सेलिब्रेशन करने जा रही, क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारक, और तुम्हें कहूंगा कि अभी जल्दी से केक मंगाओ, अपने हम भट्ट साहब और मैं मिलके यहाँ अभी तुम्हारी सालगिरह मनाते हैं CNN पाकिस्तान की, और अल्लाह पाक इसे तरक्की दे और कामयाबी अता फरमाए। अभी पूरे वर्ल्ड में इसके इतने व्यूवर्स हो कि ये खुद परेशान हो जाए कि यार बंद कर दो, इतने व्यूवर्स हो गए यार बहुत ज्यादा, अब दूसरा चैनल बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं, तो जब व्यूवरशिप ज्यादा हो जाती है तो चैनल पे चैनल बनते रहते हैं। तो अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे, पाक परवरदिगार, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मगर कामयाबी उस सूरत में मिलेगी दोस्त, सच और हक ये बताओ और दिखाओ, अल्लाह पाक करम करेंगे और मेहनत करते रहो। भट्ट साहब ये बताएं, 5वां दिन आज और बड़ा इंजॉय हो रहा है, लोग तफरी कर रहे हैं, फैमिलीज हैं, और स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑडियंस में से फैमिलीज स्टूडेंट्स आके परफॉर्म कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि आपने CNN पाकिस्तान को मीडिया पार्टनर भी रखा है और यहाँ पे जो है होस्टिंग के मामला भी हम देखते हैं, तो बड़ा इंजॉय हो रहा है। आप बताएं इंतजामिया की तरफ से क्या आगे सरप्राइजेज हैं, क्या कहेंगे, क्या आज CNN के प्लेटफॉर्म से आप कहने वाले हैं? बिस्मिल्लाह राज भाई, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपको सालगिरह मुबारक CNN पाकिस्तान को बहुत बहुत मेरी तरफ से। देखें, यहाँ लांडी गुरंगी में ये साल के बाद इवेंट लगता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़ाद हमें ही हासिल होता है कि हम इसको पार्क को मेंटेनेंस भी करते हैं, नमाइश का इतमाम भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब की खुशी हैत के ऊपर ये 3 दिन के नोटिस के ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम लगा है। ठीक है, आप मैं बाकी फनकारों का, इमरान साजन भाई हैं वो मामला देख रहे हैं सारे, माशाल्लाह पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट वो बुला रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप माशाल्लाह मामला देख रहे हैं, पब्लिक अपने घर जैसा मॉल समझ के यहाँ पे आ रही है और बिल्कुल स्टेज पे भी आती है, कोई उटिंग कोई वो नहीं है यहाँ पे, अलहमदा लोग अपनी फैमिली की तरह बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ टिकटॉक स्टार है, 3 लाख फॉलोअर हैं इनके, निमरा कराची हमारे साथ मौजूद है, आप CNN पाकिस्तान TV पे लाइव देख रहे हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पैगाम देंगी, हमारा कराची फ्लावर फेस्टिवल कोरंगी नंबर 5 फैमिली मॉडल पार्क में लगा हुआ है, क्या कहेंगी, क्या लोगों को रेकमेंड करेंगी, अपने ख्यालात का इजहार करें? ये कराची पाकिस्तान फ्लावर फेस्टिवल कोरंगी 5 नंबर पे बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने भी, और आप सब भी आए और बहुत इंजॉय करें, 5 नंबर पार्क में फेस्टिवल लगा है फ्लावर फेस्टिवल,
अच्छा, जो आपके फैन है अपनी वीडियो टिकटॉक के लिए एक बनाए हैं, जिसमें आप किस तरह लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे बुलाने के लिए, लाखों लोग आपको देखते हैं जी, तो आप सब भी आएँ यहाँ पे कोरंगी 5 नंबर पे, कराची कोरंगी 5 नंबर पे फेस्टिवल में आएँ और इंजॉय करें, मज़े करें। ख़वातीन हज़रात मेरे साथ मौजूद हैं, टिकटॉक स्टार सना नाज, जानने की कोशिश करेंगे, बड़ी चिल लड़की हैं, बड़ी शुगल मस्ती वाली हैं और ये समझ लें बोर नहीं होने देंगे आपको, बड़ी इंटरटेनर हैं, इनके साथ जो आज मौजूद हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं कोरंगी 5 नंबर फैमिली पार्क में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको फूलों की नुमाइश इंजॉय कर रही हैं और क्या पैगाम देंगी फैमिलीज को, आना चाहिए आपको? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और मैं यही कहूँगी जितनी भी फैमिलीज हैं स्पेशली बच्चों के साथ जो आती है ना एंजॉय करने, छोटे छोटे बच्चे होते हैं देखते हैं लाइटें खुश होते हैं, स्पेशली फ्लावर्स देखते हैं, प्लेलैंड एरिया में जाते हैं एंजॉय करते हैं। अब फैमिली के हिसाब से बच्चों के हिसाब से तो एंजॉय करने की जगह है बहुत अच्छी है। म्यूजिकल प्रोग्राम के हवाले से बताएं। हाँ, प्रोग्राम के हवाले से ये कि बड़ा अच्छा शो है, यहाँ म्यूजिकल शो भी है तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा किया। क्या परफॉर्म करने वाली? मैं टिकटॉक पे वीडियोस बना लेती हूँ, कोई भी कोई डायलॉग्स हो गया कुछ हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के करते धरते हैं बहुत बेहतरीन जो है ऑर्गेनाइजर हैं इमरान साजन साहब, और जो कि तारीफ के मोहताज नहीं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े अदाकार, फनकार, गुलकार जो इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, हम भी इनकी शागिर्दी में एज एंकर पर्सन होने के बाद जो है शोबिज के मामलात में इनकी शागिर्दी में आ चुके हैं। इमरान साजन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिजवान भाई। सर, शो के बारे में बताएं, हम और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, शो चल रहा है, CNN पाकिस्तान TV जो है मीडिया पार्टनर भी है, क्या कहेंगे, आगे 5 दिन रह गए और क्या क्या होने वाला है, क्या तबाही मचने वाली है? भाई मेहनत हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा मेहनत तो आप कर रहे हैं, आप माशाल्लाह पहले से आगे इतना पब्लिक को एंटरटेन करते हैं, जमा करते हैं, फैमिलीज को बिठाते हैं और आपस में उनका इंटरेक्शन रखते हैं और कमाल तरीके से उनको जमा करके रखते हैं और बहुत जबरदस्त 5 दिन से चल रहा है और मजीद जो आने वाले 5 दिन है जिसमें कल 14 फेब भी है, 15 फेब आगे भी चलेगा, तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जैसे पहले फरी शेख वगैरह और दूसरे लोग थे, इसी तरह आने वाले शो में आपको नए कलर्स मिलेंगे, कल कुछ और नए आर्टिस्ट हैं, आज कुछ और आर्टिस्ट हैं, तो रोजाना आपको एक नया कलर मिलेगा, आप सब लोग अपनी फैमिलीज को लाके यहाँ एंटरटेन हो सकते हैं और सिर्फ कॉन्सर्ट के अंदर जो रंग है वो सारे रंग आपको फूलों की शक्ल में भी नजर आएंगे। बच्चों के लिए इतने सारे आपने इंतजाम किए हैं, स्लाइड्स हैं, रैली है, ट्रेन है और छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं, फिर वहाँ पे दूसरे पोर्शन में जाए तो वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक झूले आपके लगे हुए हैं, प्ले लैंड भी बना हुआ है, खाने पीने का बहुत इंतजाम है, तो एक मुकम्मल फैमिली एंटरटेनमेंट है लांडी कोरंगी और पूरी कराची से जो भी आना चाहे उस सब आवाम के लिए यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। अच्छा इमरान साजन भाई, ये लास्ट में बताइए, 3 साल मुकम्मल हो गए CNN पाकिस्तान के, अनकरीब सेलिब्रेशन मनाने जा रहे CNN पाकिस्तान TV, क्या पैगाम देंगे एक सीनियर ऑर्गेनाइजर, क्या पैगाम देंगे CNN जी? CNN पाकिस्तान के लिए मेरी बेस्ट विशेस है और माशाल्लाह 3 साल बड़ी बातें हो गए हैं, अल्लाह ताला इनको 300 साल करे, इनको कामयाब करे, इनको दिन दुगनी और रात चौगनी की जगह 14वीं और 40वीं का चांद लगा। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान साजन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजे लिए अपने मेजबान रिजवान रशीद को इजाजत दीजिएगा, कैमरामैन हसनैन के साथ CNN पाकिस्तान TV कराची।